इन समाज में पंहिंजी ॿोली जे जेके बुनियाद आहे उनजी तहक़ीक़ जो कमु जारी आहे ऐं उहो बीठो न आहे, रुकियो न आहे। तव्हांजी प्रेज़ेंटेशन ख़ुदि हुनजो सबूत हुई। सिराज साहिब जो सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां तहक़ीक़ी कमु, उन ते ॻाल्हि ॿोल करण खां अॻु में मां चाहींदुसि त ॿ टे कुझु बुनियादी ॻाल्हियूं पहिरीं कयां त जीअं ॻाल्हि सवली थिए मुंहिंजे लाइ। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त ॿोली हिकिड़ो ज़िंदह लकाव आहे, ॿोली हिकिड़ो ज़िंदह वजूदु आहे, हिकिड़ो ऑर्गेनिक फिनॉमिना आहे। इन करे दुनिया जी का बि अहिड़ी ॿोली नाहे जेका कंहिं बि दौर में जमूद जो शिकार थी हुजे, छाकाणि त ॿोली जो तालुक़ु समाज सां आहे, ज़िंदगीअ सां आहे। ऐं जॾहिं समाज ऐं ज़िंदगी हर घड़ी तब्दील थियनि था त पोइ इहो मुमकिन ई नाहे त ॿोलीअ जी साख़्त, ॿोलीअ जी लोहत, ॿोलीअ जे अंदरि जेके सभु तरफ़ा पासा आहिनि उहे तब्दील न थींदा रहनि। इन करे कंहिं बि ॿोलीअ खे कंहिं जामिद शिकिल में ॾिसणु न खपे। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि त दुनिया में अहिड़ी का बि ॿोली कोन्हे जंहिंजो ॿियनि ॿोलियुनि सां वास्तो न हुजे, ॿियनि ॿोलियुनि सां हुनजी माइटी न हुजे। छाकाणि त हिकु तहज़ीब अंदरि जेके ॿोलियूं जनम वठनि थियूं ऐं परवरिश थिए थी उन्हनि जी, उहे हिक ॿिए जूं माइट ॿोलियूं आहिनि। उन्हनि जा पाण में लिसानियाती, उन्हनि जा पाण में लफ़्ज़नि जा, घाड़ेटनि जा, ग्रामर जा, सूतियाती, हर क़िस्म जा जेके लाॻाप आहिनि, रिश्ता आहिनि, उहे ॿोलियूं थियनि था। इन करे इहा बि हिकिड़ी दुनिया में काफ़ी जायुनि ते हिकिड़ी तंग नज़री आहे त कंहिं ॿोलीअ सां मुहबत जो इज़हार ईअं कजे त उन ॿोलीअ खे पंहिंजे ॿियनि माइट ॿोलियुनि खां धार करे ॾिसिजे, या इहो क्लेम कजे त हीअ ॿोली सिर्फ़ु निज निबार आहे ऐं ख़ालिस आहे। इन करे इहो साॻियो उसूल लाॻू सिंधी ॿोली ते बि थिए थो त दुनिया जी का बि ॿोली ॿियनि ॿोलियुनि खां धार ऐं कतई तौर ते कटियल न आहे। टीं ॻाल्हि जेका मां करे पोइ पंहिंजी ॻाल्हि ते ॾियां थो, उहा ॻाल्हि इहा आहे त ॿोलियूं, हाणे मिसाल सिंधी ॿोली जी ॻाल्हि था कयूं, सिंधी ॿोली जो कमाल इहो आहे त रियासत सिंधी ॿोलीअ जी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कॾहिं बि मालिकी न कई आहे। आगाटी तारीख़ मौजूदु न आहे, पर जेको रिकॉर्ड असांखे मौजूदु मिले थो सिंध जो, उन मिसाल अरबनि जो दौरु आहे त हिते अरबी लाॻू हुई। अरबनि जे दौर खां पोइ सूमरनि ऐं समनि जो दौरु आयो त उन ज़माने में बि सिंधी दफ़्तरी ॿोली कोन हुई, अरबी ऐं फारसी दफ़्तरी ॿोलियूं हुयूं। ऐं सिंधी ॿोली खे इहो ज़रूरु आहे त उन दौर में औज मिलियो, शाइरी में, अदब में, समाज में पंजाब जो रवैयो मिलियो, पर दफ़्तरी ॿोली तौरु सिंधी ॿोली सूमरनि ऐं समनि जे उन ग्लोरियस दौर में बि रियासती मालिकी न माणे सघी। वरी उन खां पोइ, छाकाणि त इहो पस मंज़र आहे सिराज साहिब जे ऐं ॿियनि आलमनि जे कम जो, उन खां पोइ असां वटि अरहून तुरख़ान दौरु थो अचे, त अरहून तुरख़ान दौरु जेको आहे उहो बि तक़रीबन 200 सालनि जो दौरु जेको आहे, उन में फारसी ॿोली आहे जेका दरअसल हिन असांजे ख़िते ते लाॻू कई वई, मड़ी वई ऐं ज़ोरी मड़ी वई। कलोड़नि जो दौरु बि दरअसल उहो मुग़ल दौर जो तसलसुल आहे, ऐं इहो ई सबबु आहे जो लतीफ़ साईं ऐं ॿियनि असांजे वॾनि शाइरनि उन फास नफ़रत हुननि कोन कई फारसी सां, हुननि फारसी ॿोलीअ जे उन रियासती तसलुत खे रदि कयो ऐं उन्हनि पंहिंजी ॿोलीअ खे पंहिंजो कयो। उहो पूरो दौरु वेंदे मीर साहिबनि जे दौर ताईं असांजी दफ़्तरी ॿोली जेका आहे उहा सिंधी न हुई ऐं उहा फारसी ॿोली। अंग्रेज़नि जे दौर में पहिरियों दफ़ो आहे रिकॉर्डेड तारीख़ में जॾहिं अंग्रेज़नि पंजाब सां हिकिड़ी वॾी ज़ुल्म कयो जंहिंजो नतीजो अॼु बि पंजाब भोगे थो, ऐं पंज अंग्रेज़नि ज़माने में सिंध सां हिकिड़ो इहो कमु बहितरु थियो त 1849 में अंग्रेज़नि पंजाब में 1849 में अंग्रेज़नि पंजाब में उर्दू खे दफ़्तरी ॿोली तौरु राइज कयो। हे जेको अॼु पंजाब में पंजाबी ॿोली नथी पढ़ाई वञे हुनजो सबबु रुगो विरहाङे खां पोइ जो न आहे, विरहाङे खां अॻु में 100 साल पंजाब में दफ़्तरी ॿोली ऐं निसाब जी ॿोली ऐं तालीम जी ॿोली उर्दू रही आहे। ऐं सिंध जे अंदरि 1853 में सर बाटल फ्रेयर सिंधी ॿोली खे हिते दफ़्तरी ॿोली जो राइज कयो, ऐं नतीजे में असां ॾिसूं था त 19वीं सदी जे पोएं अध खां वठी पहिरियों दफ़ो सिंध जे लिसानियाती तारीख़ जो ऐं उनजे उन समाजी तारीख़ जो उनजे मुख़्तलिफ़ पासनि जो हिकिड़ो डिस्कोर्स सिंध में शुरू थी सघंदा। हाणे ॻाल्हि घणी आहे, मां उनखे सहेड़ियां पोइ थो अचां सिराज साहिब ते, त इहो जेको पूरो दौरु हो जेको 19वीं सदी खां वठी जे पोएं अध खां वठी 20वीं सदी जे तक़रीबन पहिरियनि कुझु ॾहाकनि ताईं, जीअं ताज तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप जॾहिं इहा
या थीसिस ना है या हाइपोथीसिस है या हाइपोथीसिस जे बुनियाद थीसिस है जैमे हुन यो क्लेम कयो त दरअसल सिंधी बोली जेका है वह संस्कृत जाई आ या उन जो जो ताल्लुक आ वो हिंदुस्तान जे उन कदीम बोलन सा है यो एकड़ो हाइपोथीसिस सामू आई हाँ जाहिर तो उन असर में अस मिसाल तौर तो खुद कलीच बेग साहब जो सही गाल कही असर उते ड्रम साहब असर है मिसाल तौर तो काके भेरूमल जो तमाम बुनियादी थ्योरिटिशन में आए सिंधी बोली के बारे तारीख के बारे में उन्हीं के असर उन तमाम गहरो है साई जी एम सैद दलमा दाऊद पुटो घर मान जहाँ उन मकारा लिखल वींदे यो डिस्कोर्स एस्टेब्लिश थे तो सिराज साहब के इन कम जो पस मंजर यो है इका हाइपोथीसिस हुई जैमा लगो थे तो सिंधी का श्लोकी बोली ना है सिंध के इन धरती की पर वह इन खिते में दरअसल संस्कृत जो या द्रावड़ी बोलन जो तसलसल है तो उन सी हाइपोथीसिस के जवाब में वरी पाकिस्तान के क़याम का बो काउंटर नैरेटिव एस्टेब्लिश किया रियासती उन पूरे उनके पोया मशीनरी हुई मुख्य चवण में को भी आर ना मुख्य बलोच साहब ला लख इज्जतू आन असो वो तमाम मानू हो पर विरहाने का इतने राइट विंग साजी धुर के मानून जहाँ इतने इस्लामाइजेशन जो दौर शुरू थो उन कोशिश कई तो सिंध के बाबुल इस्लाम समझो वे इन बुनियाद से सिंध जो तहजीबी ए लिसानियाती तारीखी ए सकाफती नाता रिश्ता जड़ बुनियाद उनके अरबन के तस्वीर इो एक वही काउंटर नैरेटिव हो जो उनके सामू पाकिस्तान के क़याम का असूँ था जैमें बलोच साहब जो बुनियादी कम है तो उन जमाने में बलोच साहब प्रोक्लेम्ड उन जमाने की रियासती राइट विंग के पास हो उनकी विझड़ाई जमा इस्लामी के मानून से हुई उन जमाने में जेके भी बहस नजराती हुआ उनमें बलोच साहब सिंध के तरक्की पसंद दुर से वागल न हो वो उनके मुखालिफ कैम से वागल हो इो नैरेटिव सामू आयो तो जेका सिंधी बोली है वह दरअसल सामी बोलन में निकती है इो एक बी हाइपोथीसिस सामू आई हाँ इो जो पस मंजर आ इो है सिराज साहब जो पस मंजर तो बड़ा क्लेम हैं जे बई क्लेम एक गाल में सागी गाल बीठा तो बाबा सिंधी असलोकी बोली ना इन देश ही जहाँ शबीर कुमार साहब इन प्रेजेंटेशन सिराज साहब जो कमाल इो भी है इो भी लिखो तो जहाँ ये भाज आ सिंधु लिखत की उन पाड़ू भी बे पास न गोल्य उन पाड़ू भी सिंधु तहजीब में गोल्य तो उन जमाने में कोशिश पे थी तो मिस्र बाबुल नैनवा बेन तहजीबों के अंदर गोल्यो वे तो सिराज साहब इन वो बाकायदा इन लिख्य तो सिंधु लिखत की भान जहाँ भी बुनियाद वो इतने गोल्या वन तहजीब की बोली आ सिराज साहब जो कमाल यो हो तो जे ये एस्टेब्लिश्ड एक हाइपोथीसिस हुआ नैरेटिव हुआ उन बिन्हीं के चैलेंज किया सिराज साहब उन न सिंधी बोली सामी बोलन में निकती है न सिंधी आर्याई या द्रावड़ी या इंडो आर्यन जेका हिंद जेका यूरोपी बोलियो इन उनमें निकती है सिंधी बोली असलोकी बोली आ जेका इन धरती की बोली आ इहो एकड़ो नुक्ते नजर हो जेको ए तहां दिसो त इन जे जेको नुक्ते नजर आ इहो लिसानियाती ख्याल खां त एकड़ो नओ पासो हो ही हो जैमें सिराज साहब तांखे मिसाल दा शबीर कुमार साहब उनके मकालन में किताबन में मकाला पढ़ने जड़ा अजोके दौर के नौजवान के मां अपील तो क्या तो यो डिस्कोर्स पढ़ो छाकाण त तां दिसंदौ त उन जमाने में जेके जवाब दर जवाब जेके मजमून आया उन्हें जो एक बाकमाल इल्मी किस्म जो तो मुबाहसो पैदा कराण अगे मु गाल बार बार चई आ इल्म जो इल्म से टक्कर थींदो तो इल्म प्रोड्यूस थींदो इन करे आलमाना बहस कदें भी गलत न हुंदा आहिनि उन्हें बहसन मजा ही नयी राहू निकरंदियूं आहिनि इन करे बलोच साहब ए बेन आलमन ए सिराज साहब के एक बे से जो आलमाना बहस थे लिसानियाती उन मझा ही सिंधी बोली जो है नए दौर जो नो डिस्कोर सामू आयो ए दिलचस्प गाल है तो डॉक्टर अलाना साहब जड़ो मानू वो भी जैसे नजरियो खी आयो तो नजर अचे तो बिल्कुल उन क्लेम न किया पर जै मू अलाना साहब के पढ़ो होंद जै मू सिराज साहब के पढ़ो होंद बाकी नजरिया पढ़िया हूँ भेरूमल जहा बलोच साहब जहा वो चिट्टी तरह समझो तो अलाना साहब बिना क्लेम करण के सिराज साहब की गाल के बाय तो करें सिराज साहब की गाल से बीठो आ गु जितने को कें क्लेम को सिराज साहब जो जो नुक्ते नजर हो यो हो तो सिंधी बोली दरअसल सिंधु तहजीब की बोली है इन धरती की बोली है उ न सामी बोल में निकती है न द्रावड़ी बोल में निकती है इो कमाल हो हाँ मैं बाल कर चाहें तो गाल पूरा था क्यों तो जाहिर ये सभी हाइपोथीसिस सिराज साहब जी भी हाइपोथीसिस जाहिर
ये ना तो कोई यो बहस मुकम्मल थियो या यो बहस कहे एकड़े मंतकी पुजानी दे पतो आ जे में शयु सेटल थी वयुन पर सराज साहब जो कमाल यो हो तो सराज साहब लिसानियाती डिस्कोर्स के एकड़ो एड़ो दग दिनो जे में पनी सिंधी बोली के पनी धरती में पनी पाड़ू बोलन जो हन गसर दो यो मुझे ख्याल में वडो कारनामो सराज साहब जो जे सिंधु लिखत ला भी सही गाल कई बियो पासो जो को बहस में नथो अचे ते आम तरह वो मां तासा करन चाहे थो तो तहां दिसो दौर केड़ो आ यो दौर आहे जने नव नव वन यूनिट लागू थियो आ 59 खां यो बहस शुरू थे थो यो दौर आ जे में सिंधी बोली गुम कई वई आ सिंधी बोली के मुकम्मल तरह एकड़े इन सफेस मिटाने की कोशिश कई वई आ वो दौर आहे जे में सराज साहब नरगो सिंध जो जेको लिसानियाती पासो आ उनजी तारीख लिसानियाती आ उहारी क्लेम तो करे पर सिंधी बोली के सिग्निफाई करण उनके वरी बहस हेठाण उन तहकीक जो नयू राहू खोलण यो दौर जो तुम वन यूनिट वाले जमाने में तो जेका पॉलिटिकल लिंग्विस्टिक्स आ तो माना दुनिया में अड़ी का बोली ना है तुम दुनिया में जो वो बोलिय अरबी अज वी बोली छो आ दुनिया की दुनिया के पंजन वन बोलन बोली आ उनके पोया अरबन की सियासी तारीख है न तो अरबन की बोली तो यही हसीन हुई पर अरबन के कहन का अग में कदें भी अरबी बोली आलिम बोली को हुई पर फारसी बोली आ फारसी बोली तो सदन का वी एडी हसीन बोली पर फारसी अज दुनिया के अजीम बोलन में छो आने पोया ईरान ए फारस जो सियासी कहूँ अंग्रेजी बोली जी दुनिया की आलमगीर बोली आ वह अंग्रेजी बोली तो मादरी जबान उन अंग्रेजन की भी ना है जी रहन था अंग्रेज ये तो यारिया जी अडो का अंग्रेज बरतानिया जहा यारिया उनकी ना है मादरी बोली अंग्रेजी तो दुनिया जो जे भी वो बोलियन उन बोलियन के तरवीज ए उनकी तरक्की उन बोलियन के फैलाव उनके वधण वीझण उन कम उनमें प्रोड्यूस थे अदब उनके पोया सियासी पास तमाम बुनियादी हथ रो तारीख में तो समझा तो यह गाल पूरी क्या थे तो जिते सराज साहब के इन लिसानियाती तहकीक सिंधी बोली के तहकीक के नवा गसर दिना उनके जोड़ो पैं धरती से पर वन यूनिट वाले जमाने में जैसे रियासत मुकम्मल कोशिश कई तो सिंधी बोली जो जिक्र भी न थे वह पढ़ाई भी न वे वह रियासती लेवल से किथे मौजूद न हो उन जमाने में सराज साहब जो यो डिस्कोर सामू अचण जैमें सिंधी बोली सिंधी जे धरती की बोली सी उभरे थी तो समझा तो जो पॉलिटिकल लिंग्विस्टिक्स उन ख्याल का भी सराज साहब जो यो डिस्कोर्स उन जमाने में सिंधी बोली के मेन स्ट्रीम करण में ए सिंधी बोली के रिक्लेम करण में उनके पंजे कौम की पंजे अवाम की बोली उन जायज फख्र करण में एक वो बुनियादी किरदार अदा किया आखिरी गाल ही तो कर गाल पूरी क्या तो ये जो भी डिस्कोर्स आगे मैडम फहमीदा इत हुई अथॉरिटी में तो हर साल कॉन्फ्रेंस कराई हुई मां हर साल उत गाल कस मैडम सामू वेठी आ तो सिंधी बोली के बुण बुनियाद जो या तारीख जो बहस यो अध कम हाँ मुस्तकबिल केदा पो वे उनमें मादरी बोलन जो मुस्तकबिल बोलियो किए जींद बोलियो किए तरक्की क्यों बोलियो किए पाँ दायरा वसी क्यों यो सवाल जो है असान लिसानिया टेबल से आयो ही ना इन करो चवन चाहें तो जिते असा के सराज साहब के छल कम के बेन आलम के कम छल के अगत बढ़ाने खपे माजी के हवा से उत असा के सिंधी बोली एक्वी सदी में बवी में टेवी में मुस्तकबिल में कि जियापो रखी यो सवाल अज दौर जो अहम सवाल आ इन कर रुगो माजी में हूँ तेज बुणबुणियाद यो नाकाफी है सिंधी बोली जो मुस्तकबिल होंगे जो उन लिसानियाती समाजी सकाफती सियासी जे बया पासा उसान तहकीक जो मौजू होने खपन तीन वही महरबानी। हाँ इतने